हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम MBA कॉलेज रिव्यू सीरीज। आज के इस वीडियो हम जो रिव्यू करने वाले हैं वो एक स्टूडेंट का कमेंट के हिसाब से हम इस कॉलेज को रिव्यू करने वाले हैं। स्टूडेंट रिक्वेस्ट किए थे कि आप सर इस कॉलेज को रिव्यू कीजिए, तो हम इसलिए आज जो कॉलेज को रिव्यू करने वाले हैं वो है प्रैक्सिस बिजनेस स्कूल, जो कि कलकत्ता में सिचुएटेड है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। प्रैक्सिस बिजनेस स्कूल जो कलकत्ता में सिचुएटेड है, 2007 में एस्टैब्लिश हुआ था। AICTE अप्रूव्ड कॉलेज है। रैंक सेकेंड इन कलकत्ता एंड रैंक 35th इन ओवरऑल बाय टाइम्स ऑफ इंडिया 2020। प्रैक्सिस जो कोर्सेज ऑफर करता है वो है PGDM, जिसके अंडर में आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, फिनेंस है, मार्केटिंग है, ऑपरेशन है, डेटा साइंस है, बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो आपको मिनिमम 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन विथ 60% मार्क होना जरूरी है, और जो फाइनल ईयर के डिग्री स्टूडेंट है वो भी इस कॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं, और आपको डिग्री कंप्लीट होने तक आपको एग्रीगेट 60% मार्क होना जरूरी है। कॉलेज को अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो है 1200 रुपीज, जो कि जनरल कास्ट के लिए, और 600 रुपीज वो है SC ST के लिए। और हम बात करें कौन सा स्कोर एक्सेप्ट करता है, दो स्कोर एक्सेप्ट करता है, वो है CAT, JAT, CMAT एंड MAT, और उसका भी एक स्पेशल एग्जाम होता है, वो होता है प्रैक्सिस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको बोलते हैं PAT। जो कट ऑफ है CAT में वो लगभग 65%, जो जैट में लग कट ऑफ 60%, सी मैट में 80% और मैट में 85%। और हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, कौन सा प्रोसेस में सिलेक्शन होता है। प्रैक्सिस शॉर्टलिस्ट करता है बाय स्टूडेंट बाय टेस्ट स्कोर, उसके बाद वहाँ पे आपका एसे राइटिंग होता है, फिर एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, देन पर्सनल इंटरव्यू होता है। उसके बाद वो आपको एकेडमिक वर्क को भी कंसिडर करता है, जिसके बेसिस में कंपोजिट स्कोर निकलता है और आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। और हम बात करें टोटल फीस कितना लेता है प्रैक्सिस, वो है 7.27 लाख फॉर 2 ईयर्स, जो कि आपका एकेडमिक और ट्यूशन फीस है। अगर हॉस्टल को आप अप्लाई करोगे तो आपको सेपरेट फी पे करना पड़ेगा। इसका समर इंटर्नशिप है, हाईएस्ट स्टाइपेंड गया था 40,000 और जो एवरेज स्टाइपेंड गया था वो गया था 16,000। अगर हम बात करें इसके फाइनल प्लेसमेंट के बारे में, टोटल कंपनी विजिट किए थे वो थे 14, और इसमें न्यू रिक्रूटर थे 5, हाई सैलरी गया था 10.5 लाख पर एनम, जो गया था सेल्स एंड मार्केटिंग में, और जो एवरेज सैलरी था वो था 7.03 लाख पर एनम, और जो इसका लोएस्ट सैलरी था 5 लाख पर एनम। इसे तो कॉलेज इतना अच्छा कॉलेज नहीं है, इसको हम एवरेज कॉलेज मान सकते हैं, और आपको अगर इसी साल MBA करना है और आपको ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं आया है तो आप इस कॉलेज को अगर हाँ और आप कलकत्ता से हो तो आपके लिए कॉलेज अच्छा हो सकता है, और इस कॉलेज को जाके आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जो एवरेज कॉलेज होता है वहाँ पे ज़्यादा मतलब प्लेसमेंट के लिए टेंशन रहता है, तो वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हो तो आप श्योर हो कि आपको वहाँ जाके अच्छा टॉप लेवल में रहना है, एटलीस्ट टॉप 10 to top 20 स्टूडेंट के अंदर रहना है, तो इस कॉलेज को आप जा सकते हो। अगर देखें तो उसका प्लेसमेंट सिनेरियो, तो अगर फी 7.27 लाख देता है और उसका जो लोएस्ट फी 5 लाख है, तो कॉलेज बुरा नहीं है, बट आपको वहाँ पे अगर अच्छा परफॉर्म किया तो आपके लिए अच्छा ROI हो सकता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट रिव्यू रेटिंग के बारे में, उसका जो एकेडमिक को रिव्यू रेटिंग मिला था 9.4 out of 10 मिला था, फैकल्टी को मिला था 8.8 out of 10, इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला है 8.0 out of 10, एकोमोडेशन को मिला है 8.0 out of 10, प्लेसमेंट को जो रेटिंग मिला है 8.6 out of 10, और सोशल लाइफ को मिला है 8.0 out of 10। अगर आप इस कॉलेज के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप इस कॉलेज को जा सकते हो, अगर आप कोलकाता से बिलोंग करते हो तो आपके लिए अच्छा है, और वहाँ जाके आप श्योर हो जाओ कि आपको और ज़्यादा हार्डवर्क करना है, क्योंकि अगर आपको प्लेसमेंट यहाँ पे लेना है तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा वहाँ पे जाके। तो आज की वीडियो में इतना ही,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप चाहते हो कि कुछ कॉलेज के ऊपर मैं रिव्यू करूँ तो कमेंट बॉक्स में उस कॉलेज का नाम लिखे, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।